फ्रेंड्स, आज मैं स्पेशली बैचलर्स के लिए सबसे आसान और ना फेल होने वाली चिकन करी की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। इस रेसिपी के लिए मैंने किसी भी मिक्सी या इमाम दस्ते का यूज़ नहीं किया है और ये चिकन की जो रेसिपी है वो बहुत जल्दी, बहुत आसानी से फटाफट बन जाती है और बहुत टेस्टी बनती है। तो फ्रेंड्स, अगर आज की ये रेसिपी आपको पसंद आती है तो इसे लाइक ज़रूर करिएगा। तो चलिए फिर वीडियो बनाना शुरू करते हैं। तो इसके लिए मैंने 700 ग्राम चिकन को अच्छे से नींबू लगाकर धो लिया है और धोकर इसे जाली में आप रख दीजिएगा ताकि सारा पानी इसका अच्छे से निकल जाए। और अब हम इसमें एक छोटा चम्मच नमक डाल दे रहे हैं, आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैं यहाँ पर हल्दी डाल दे रही हूँ और फिर इसमें लहसुन अदरक का थोड़ा सा मैं पेस्ट इसमें डाल दे रही हूँ। तो यहाँ पर पहले से ही अगर आप लहसुन अदरक और हल्दी नमक डालकर चिकन को मैरिनेट करके रख देते हैं तो इससे चिकन आपका जो अंदर से है वो फीका नहीं लगता है और अंदर भी इसके अच्छा स्वाद बना रहता है। तो अब इन सारी चीज़ों को हम मिक्स करके लगभग 15 से मिनट से लेकर आधे घंटे तक इसको रख देते हैं, तब तक हम बाकी की तैयारी करेंगे। यहाँ पर हमने कुछ साबुत मसाले लिए हैं जिसमें मैंने एक बड़ी इलायची, दो छोटी इलायची, एक छोटा चम्मच मैंने साबुत जीरा और एक छोटा चम्मच शाह जीरा, 4 से 5 लौंग, 4 लाल मिर्च, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ली है, थोड़ा सा दालचीनी और थोड़ी सी जावित्री लिया हुआ है। इसके अलावा दूसरी प्लेट में मैंने 2 तेज पत्ता, थोड़ी सी कसूरी मेथी मैंने लिया है और आधा टेबल स्पून ही मैंने यहाँ पर पत्थर फूल लिया हुआ है। इस पत्थर फूल वाला मसाला अगर आपको मिले तो आप ज़रूर डालिएगा, इससे चिकन में बहुत ही अच्छी खुशबू आती है और स्वाद भी बहुत अच्छा होता है। और अभी मैं यहाँ पर एक छोटा सा बोल ले लिया है मैंने, इसमें मैं 1.5 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, आधा बड़ा चम्मच मैं इसमें जीरा पाउडर और आधा बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ, इससे चिकन जो है उसका कलर बहुत अच्छा आता है। और अब इन मसालों में थोड़ा सा पानी डालकर इसे हम घोल कर रख देते हैं। मसालों को पहले से पानी में घोल कर रख देने से जो हमारा चिकन का मसाला है वो बहुत ही स्मूथ और थोड़ा सा क्रीमी बनता है। तो इसलिए जब भी आप चिकन या फिर कोई सब्जी बनाएं, मसालों को अगर पहले से भिगा कर रख लेने से सब्जी आपकी बहुत ही अच्छी बनती है। और अब मैंने यहाँ पर 3 मीडियम साइज के प्याज लिए हुए थे जिसे मैंने बारीक बारीक कट किया है, आप रफली चॉप करके भी ले सकते हैं। और इसके साथ ही साथ एक गांठ मैंने लहसुन की ली है, 2 यहाँ पर मैंने टमाटर लिए हैं और इसके साथ ही थोड़ा सा 1/4 कप मैंने दही लिया है। ध्यान रहे कि दही खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो बस अब हम चलते हैं गैस की तरफ। गैस पर हमने एक कुकर रख दिया है गर्म होने के लिए। इसमें मैं 1 बड़ा चम्मच सरसों का तेल डाल रही हूँ, अभी हमें तेल ज़्यादा नहीं डालना है। और अब इस तेल को डालकर कुकर में चारों तरफ अच्छे से फैला देंगे ताकि जब हम चिकन इसमें डालें तो चिकन इसके तले में या कुकर में किनारे से कहीं चिपके नहीं। अब जब ये तेल तेज गर्म हो जाएगा तब हम इसमें जो चिकन मैंने मैरिनेट करके रखा था उसे डाल देंगे और हाई फ्लेम पर ही चिकन को हम चलाते हुए लगभग 5 मिनट तक के लिए इसे हम भून लेंगे। चिकन को इस तरीके से भूनने के लिए फ्लेम को हाई ही रखिएगा क्योंकि लो फ्लेम या फिर मीडियम फ्लेम पर चिकन पानी रिलीज बहुत करेगा और वो चिकन आपका गल जाएगा। और इस तरीके से चिकन बनाने से पहले ही थोड़े से तेल में चिकन भून लेने से जो चिकन खाने के समय किसी किसी को हींक आती है हल्की सी, वो हींक नहीं आएगी और चिकन खाने में सौंधा बहुत लगता है। तो बस अब 5 मिनट तक चिकन को मैंने चलाते हुए भून लिया था हाई फ्लेम पर और अब इसे निकाल लेंगे और वापस से इसी कुकर में थोड़ा सा तेल हम और डालेंगे। तो यहाँ पर मैं 1 कलछी तेल और डाल रही हूँ और फिर तेल जब मीडियम गर्म हो जाएगा तब हम इसमें तेज पत्ता और जो पत्थर फूल मैंने आपको दिखाया था, तो सबसे पहले तेज पत्ता और पत्थर फूल हम इसमें डाल देते हैं। ये जो दोनों मसाले हैं, तेज पत्ता और पत्थर फूल, इससे किसी भी सब्जी या चिकन में खुशबू बहुत अच्छी आती है। तो अब यहाँ पर जो मैंने साबुत मसाले आपको दिखाए थे उसे मैंने इलायची को, जो हरी इलायची और बड़ी इलायची थी उसे मैंने तोड़ लिया था और फिर ये सारे साबुत मसाले को हम तेल में डाल देंगे और लगभग आधे मिनट के लिए इसे हम भून लेते हैं। और हाँ, ध्यान रहे जब आप ड्राई मसाला तेल में डालें तो आपका तेल बहुत ज़्यादा तेज गर्म नहीं होना चाहिए, नहीं तो ड्राई मसाला डालते ही मसाले आपके जल जाएंगे। और अभी मैंने यहाँ पर साबुत जो लहसुन दिखाया था आपको, वो लहसुन मैं इसमें डाल दे रही हूँ। लहसुन को डालकर मीडियम फ्लेम पर इसे हम 1 मिनट के लिए भूनेंगे। जब लहसुन की ऊपर की स्किन थोड़ी सी ड्राई होने लगेगी तब हम यहाँ पर सारे प्याज डाल देंगे।
और अब प्याज और लहसुन को हम थोड़ी देर के लिए हाई फ्लेम पर भून लेंगे, या फिर तब तक भूनेंगे जब तक कि प्याज का कलर ये जो है हल्का सा चेंज ना हो जाए। इस चिकन की रेसिपी में आपको प्याज भी बहुत बारीक काटने की ज़रूरत नहीं है और ना ही लहसुन को कूटने पीसने या फिर काटने की ज़रूरत है। ये बहुत ही आसान सी रेसिपी है फ्रेंड्स और ये खाने में बहुत अच्छी लगती है। तो अभी हाई फ्लेम पर मैंने प्याज को भून लिया है, प्याज का कलर भी हल्का सा चेंज हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे कि जो मसालों को हमने भिगा कर रखा था वो सारे मसाले इसमें हम डाल देते हैं। मसाला भिगाते समय मैंने हल्दी डालना यहाँ पर भूल गई थी, तो हल्दी इस वक्त मैं डाल रही हूँ। तो यहाँ पर आधा छोटा चम्मच से थोड़ा सा कम ही मैंने हल्दी डाला है, क्योंकि मैरिनेशन के समय भी मैंने थोड़ी सी हल्दी डाली थी। तो अब जो मैंने दो मीडियम साइज के टमाटर लिए थे उस टमाटर को भी मैं इसमें डाल दे रही हूँ साथ में ही। इसके साथ ही स्वाद के अनुसार नमक डाल देंगे और फिर इन सारी चीज़ों को मीडियम टू हाई फ्लेम पर रुक रुक कर इसे थोड़ी देर हम भून लेंगे। तो अब लगभग 5 मिनट तक मैंने इन सारी चीज़ों को एक साथ भून लिया है। तो अब हम थोड़ा सा इसमें पानी डाल देते हैं। यहाँ पर मैं 3 टेबल स्पून के आसपास मैंने इसमें पानी डाल दिया है और अब पानी डालकर इन सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे और फिर कुकर के ढक्कन को बंद करके मीडियम फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे हम पकाएं। इस तरीके से पकाने पर आपके जो प्याज टमाटर हैं बहुत अच्छे से गल जाते हैं, मसाले भी पक जाते हैं और जो चिकन की ग्रेवी है वो बहुत ही थिक बनती है। और अब जब कुकर का प्रेशर अच्छे से निकल गया है तो मैं ढक्कन को हटा दे रही हूँ और फिर से गैस की फ्लेम को ऑन कर देंगे और मीडियम टू हाई फ्लेम पर इस स्पैचुला से अच्छे से चलाएंगे। इससे अच्छे से मैच करके चलाना है ताकि ये जो प्याज वगैरह है, टमाटर है, साबुत लहसुन है, ये बहुत ही सॉफ्ट ऑलरेडी हो चुका है कुकर के प्रेशर से पक के, ये अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर हाई फ्लेम पर 2 से 3 मिनट तक मैंने इन सारे मसालों को मैश करते हुए चलाया है और अब हम क्या करेंगे कि जो चिकन को हमने भून कर रखा था वो सारा चिकन इसमें हम डाल देते हैं और इसके साथ ही साथ मैं दही और कसूरी मेथी भी डाल दे रही हूँ। तो इस समय मैंने गैस की फ्लेम को बिल्कुल लो रखा है, क्योंकि जब भी आप किसी चीज़ में दही डालें तो आपको फ्लेम लो ही रखना होता है और अगर आपका फ्लेम हाई रहेगा तो आपकी दही ये फट सकती है। तो बस मैंने लो फ्लेम पर दही को डाल दिया है और फिर जल्दी जल्दी इसे हम चलाएंगे ताकि हमारी दही फटे नहीं। तो 1 मिनट तक लो फ्लेम पर ही जल्दी जल्दी चलाते हुए मैंने चिकन को यहाँ पर पकाया है और फिर मैंने गैस की फ्लेम को मीडियम कर दिया है और मीडियम फ्लेम पर हम इसे लगभग 5 से 7 मिनट तक बीच बीच में रुक कर चलाते हुए हम भून लेंगे। तो अभी लगभग 6 से 7 मिनट तक मैंने इसे मीडियम फ्लेम पर बीच बीच में रुकते रुकते चलाते हुए इसे भून लिया है और अब हम क्या करेंगे कि इसमें ग्रेवी के लिए हम यहाँ पर पानी डाल देते हैं। तो इस स्टेज पर आप चाहें तो आप इसमें 1/4 कप पानी डालकर इसे 2 प्रेशर आने तक पका सकते हैं और ड्राई चिकन आप बना सकते हैं, या फिर इस चिकन को तरी वाला बनाने के लिए आप ज़्यादा पानी डालिएगा। दोनों ही सूरत में मुझे चिकन यहाँ पर थोड़ा सा ग्रेवी वाला चाहिए था तो मैंने इसलिए पानी को थोड़ा सा और डाल दिया है। तो अब इसकी कंसिस्टेंसी बिल्कुल परफेक्ट है। तो अब हम क्या करेंगे कि इन सारी चीज़ों को एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे और सबसे लास्ट में मैं यहाँ पर 2 हरी मिर्च स्लिट करके डाल रही हूँ। थोड़ा सा यहाँ पर मैंने अदरक जुलियन के शेप में कट करके उसे भी डाल दिया है। इसका फ्लेवर ग्रेवी में बहुत ही अच्छा आता है और फिर इसे ढक्कन लगाकर हाई फ्लेम पर 2 सीटी आने तक इसे हम पका लेंगे। तो अब प्रेशर निकल चुका है, आप देख सकते हैं कि चिकन ये कितना अच्छा बना है। बहुत ज़्यादा ऑयल का भी यूज़ मैंने इसमें नहीं किया है फ्रेंड्स और ना ही बहुत ज़्यादा इसमें तामझाम है। तो बस अब लास्ट में इसमें बारीक कटी हुई हरी धनिया डाल देना है और फिर इसे हम 15 मिनट के लिए कवर करके रख देंगे और फिर इसे इंजॉय करेंगे। आप देख सकते हैं कि चिकन कितना अच्छे से गल गया है। ये जो चिकन है इसी तरीके से इतना ही गलना चाहिए, ये बिल्कुल परफेक्ट गला हुआ है। तो बस अब हम इसे 15 मिनट के बाद इसे सर्व करते हैं। तो फ्रेंड्स आज की ये रेसिपी आपको पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करिएगा। तो मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय।